थाने के कल्याण में आगामी 20 नवंबर को होगी मनोज जारांगे पाटिल की जनसभा। मराठा कार्यकर्ताओं ने लिया सभा स्थल का जायजा। 40 से 50 हजार लोगों के शामिल होने का दावा। आगामी 20 नवंबर को कल्याण के पोटे मैदान में मराठा समाज के नेता मनोज जारांगे पाटिल की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ज्ञात हो कि मनोज जारांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण के लिए सरकार को 24 दिसंबर का अल्टीमेटम दिया है। इसी को लेकर वे राज्य भर में दौरा और जनसभा के माध्यम से मराठा आरक्षण के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसी कड़ी में आने वाली 20 तारीख सोमवार को कल्याण पूर्व के पोटे ग्राउंड में सकल मराठा समाज की तरफ से विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। सभा स्थल का जायजा लेने के बाद आयोजकों ने दावा किया कि सभा में 40 से 50 हजार मराठा समुदाय के लोग शामिल होंगे। इतनी भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 500 स्वयंसेवक मैदान पर तैनात रहेंगे। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। आयोजकों ने यह भी बताया कि कल्याण में पहली बार मराठा आरक्षण को लेकर इतनी बड़ी सभा होने जा रही है, इसलिए इसे सफल बनाने के लिए समाज के सभी लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस मौके पर अरविंद मोरे, शरद पाटिल, सुभाष गायकवाड़, धनंजय जोगदंड सहित मराठा समाज के अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। मराठा योद्धा जारांगे पाटिल साहब का सभा का नियोजन कल्याण के ओटे मैदान में, जो मराठा कुलसीवाड़ी जो है कल्याण ईस्ट में, वहाँ जनसागर, बहुत जनसागर के सामने यह होने वाली है। और उसके लिए सकल मराठा समाज, मराठा क्रांति मोर्चा ने नियोजन किया है। 500 स्वयंसेवक इस जगह तैनात रहने वाले हैं और 500 के साथ में पुलिस प्रशासन के साथ में वो हाथों में हाथ डाल के वहाँ काम करने वाले। मुंबई से सटे ठाणे शहर से पुलिस महानगर के लिए जितेश चौधरी की खास रिपोर्ट।